इवन योरपीडिया का सर मेरे लाइफ में हमेशा एक पार्ट बना रहेगा सर। ओके सो उदय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योरपीडिया एजुकेशन। हाँ थैंक यू सर, बस उदय, थैंक यू सर। यू हैव गॉट सिक्स्थ रैंक इन यस वेरी सर, प्रेस्टिजियस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ असिस्टेंट एमबीबीएस सर। प्रोफेसर पोस्ट, एंड देयर इज अ यस सर, ग्रेट न्यूज एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, उदय, आप थैंक जानते हैं जैसे योरपीडिया पे मैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और उनके यस बारे में सर। जानते हैं हम लोग, और फिर ये वीडियोस, ये इंटरेक्शंस, ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम बन करते हैं और यस सर, उनके लिए गाइडिंग भी होते हैं, ये काफी उनको सीखने को मिलता है। सो आपकी जो इंटरेक्शन मैं आज आपसे करूंगा, इससे बहुत कुछ मिलेगा जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। सो अगेन आई थैंक यू कि आपने इसमें टाइम दिया एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट अबाउट दैट नाउ। सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड उदय, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी लिसनिंग। बहुत से ऐसे होंगे जो जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने वॉलंटियर किया यहाँ पे कि आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस बच्चों के बेनिफिट के लिए, तो जो बाकी भी ऐसे सुन रहे होंगे, मेरे को इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो शेयर करना चाहते हैं या शेयर कर सकते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया था। नाउ आई कम टू यू उदय, एंड आई वॉन्ट यू टू टेल अस अबाउट यू फर्स्ट। आप हमें बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आप आते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम भी आप बताएं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से किया है, बीटेक कहाँ से किया, कॉलेज का नाम क्या है, उसके बाद की जर्नी आप बताएं। वैसे तो सर मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटा सा गांव। मैं बिहार राज्य के निवासी हूँ सर, किशनगंज जिला के अंतर्गत आता हूँ। उसमें एक ठाकुरगंज छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है सर, तो मैंने अपना बीटेक कलिंगा यूनिवर्सिटी से किया है और अपना एमटेक आईआईटी पटना से किया है। और अभी सर मैं एनआईटी पटना में पीएचडी परसुइंग कर रहा हूँ अंडर सुपरविजेशन ऑफ एस के वर्मा सर। आपने अपने पेरेंट्स का नाम नहीं बताया उदय। खगेश कुमार सिंह सर मेरा प्रेजेंट है, वो एक चायपत्ती में उनका एक छोटा सा व्यापार है, किसानी तो बिजनेस के बिजनेस करते फील्ड, हैं अपना किसानी के फील्ड में है सर, चायपत्ती किसानी। के किसानी के फील्ड में। यस तो सर, कितने ब्रदर सिस्टर हैं आपके उदय? हम लोग सर दो ही भाई हैं, तो सिस्टर नहीं एक है, बड़े भाई हैं दैट आपके, इज छोटे भाई हैं? अनफॉर्चुनेट, कोई सिस्टर नहीं है, छोटा भाई है सर मेरा एक, गुड। वो भी बहुत सक्सेस, अच्छे पोजीशन पर है सर, तो आई अभी टी इंडस्ट्री। ओके, तो अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा ईयर है आपका चल रहा? ये सर थर्ड ईयर चल रहा, तीसरा ईयर चल रहा। तो क्या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे अब आप, मतलब कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ सर सोच रहे हैं सर, एक एक से 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाए सर। तो ये अब आपके जो प्रोफेसर होंगे अब उनको पता होगा आप सिलेक्ट हो गए हैं, सो आई थिंक ही हाँ हाँ कैन जी जी ऑल्सो। जी मेरे गाइड को पता है, ओके जी उदय, मेरे आप गाइड को पता है, सबसे पहले मैं उन्हीं को कॉल किया। हाँ अच्छा उदय, आपने ये जितना भी बीटेक आपका हुआ कौन से कॉलेज से, कब बताया आपने कब हुआ था आपका? सर, कलिंगा यूनिवर्सिटी से किया था 2014 में, 2010 से 14 में के तो बीच बीच में तक आपने सर। कोई टेम्परेरी या बोल पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम वाम किया था, पकड़ा था कोई जॉब आप? हाँ सर, मैंने पहले मेडीजी ज्वाइन किया, फिर मेडीजी ज्वाइन किया जहाँ मैं कंटेंट के रूप में इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेस्ट सीरीज, बुकलेट, यही सब बनाता था सर। एक प्राइवेट संस्था थी, हाँ कोचिंग सेंटर था एक्चुअली बोला जाए तो, हाँ मेडीजी प्राइवेट लिमिटेड, आपने नाम सुना सर? हाँ बिल्कुल, हाँ नाम हाँ सुना है, वो, मैं बहुत अच्छी तरह हाँ से जानता हूँ, जो बी सिंह है वो हाँ बहुत अच्छे नोन है मेरे, सो आई जी 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 थिंक वही फाउंडर हैं। हाँ, यस। तो मैं वही वर्क किया कंटेंट डेवलपर, लगभग 2 ईयर्स के आसपास मैंने वहाँ वर्क किया सर। तो उसमें मेरा एक्चुअली जो टेक्निकल पोर्शन है वहाँ से मेरा सही भी हुआ, वहाँ वर्क करते ऑब्वियसली। करते मुझे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ, डिफरेंट डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस मैंने बनाए, टेस्ट सीरीज भी का वर्क देखता था, यही सब वर्क करता था इसके पहले सर। फिर मैंने एनपीआईयू में ज्वाइन किया, फिर अभी तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अब ज्वाइन ये किया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उदय, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग ही असिस्टेंट प्रोफेसर से हो रहा है और इन द जी मीन टाइम जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तब आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो जी पीएचडी जी कंप्लीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि टीचिंग की लाइन में ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग आपको मिल गई है और अब इसको किसी भी लेवल तक ले जाया जा सकता है। और यस बिहार सर, गवर्नमेंट जहां तक मेरे को लग रहा है बहुत सीरियस है कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए। बिहार एज अ स्टेट एक पेक्यूलियर स्टेट है जहां पे बच्चा बहुत ही मेहनती है और बहुत कैपेबल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए बच्चों को कभी पंजाब, कभी उड़ीसा, कभी महाराष्ट्र ऐसे कॉलेजेस में यस जाके एजुकेशन एब्सोल्युटली लेना राइट पड़ता सर, था।
यस अब क्या यस है कि जैसे अब मैं देख रहा था रिक्रूटमेंट भी जो हुआ है बिहार में, बहुत ही हम्म, इम्पार्शियल, अनबायस्ड और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट हुआ है। यस सर, वेरी इफेक्टिव इक्विपमेंट हुआ है, और बहुत अच्छा, ज्यादा। और जैसे मैं ना बहुत से बच्चों से बात करता रहता हूँ और बहुत से बच्चों को मेंटर किया है, तो कैपेबल बच्चों को और उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे रिक्रूटमेंट हुआ है, तो अच्छी अच्छा लगता है कि जैसे आप जैसे लोग हैं जो अच्छी जगह से क्वालिफिकेशन लेके टीचर लगेंगे, मोटिवेटेड होंगे, आई एम वेरी श्योर वहां पे उसका पूरा यूज मिलेगा और बिहार के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, बच्चों को। अब यस चलते हैं उदय, आपके इस पूरे एक्सपीरियंस की तरफ, जैसे जो आपका इंट्रो का एक्सपीरियंस हुआ था, अब आप जानते हैं जैसे लेक्चरर्स के भी इंट्रो आ रहे हैं बच्चों के, तो वो उनको भी प्रिपरेशन में उसका बेनिफिट होगा। आप इंट्रो का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे हुआ था, आप जब गए तो कैसे कैसे उन्होंने पूछा, क्या आपसे सबसे पूछा। पहले सर इंटरव्यू के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले सर, विदाउट आपका इंटरवेंशन के मेरा इंटरव्यू इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाता। इंटरव्यू मुझे 12 मार्क्स मिले, अरे और ये सर इतना वाह, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, मान के चले अगर फेल किया जाए तो आपका इंटरव्यू में मोर देन 80 नंबर चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, इतना कॉम्पिटिटिव था मैकेनिकल में। तो ये बहुत ही एक लक फैक्टर भी था और एक नॉलेज फैक्टर भी था। मोर देन 80% नंबर लाना 100 में इंटरव्यू तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये काफी एक्चुअली डिफिकल्ट था। तो सब कुछ इंटरव्यू पर ही बेस्ड था। मैंने यूरोपीडिया एजुकेशन इसको ज्वाइन किया, कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए आपको, तो उससे मुझे काफी गाइडेंस मिला, बहुत अच्छा खासा गाइडेंस मिला, और मैं इसका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपके सानिध्य में मुझे इतना अच्छा मिला काम करने का। मैं इंटरव्यू दिया, मॉक टेस्ट दिया, तो इससे मुझे इन्हांस हुआ मेरा स्किल्स और मैंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो सर जैसे ही मैंने इंटरव्यू रूम के इन किया तो सबसे पहले मुझे पूछा कि आपका बीटेक एमटेक कहाँ से किया आपने, तो फिर मैंने ये सब जवाब दिया जो बेसिक था, जो चेयरमैन सर शुरू किया पूछना पहले, तो उन्हें जनरल सारे सवाल पूछे, बीटेक कहाँ से किया, एमटेक कहाँ से किया। इसके बाद जब टेक्निकल पोर्शन पर आए तो सारे IIT या NIT के प्रोफेसर ही थे, मैं उन पहचानता तो नहीं था, देख कर लग ही रहा था, ऐसे पोर्टफोलियो से तो पता ही चलता है कि सब IIT NIT के ही रहते हैं प्रोफेसर वहाँ। तो पहला सवाल आया कि मैंने फेवरेट पोर्शन मैंने पूछा सबसे पहले, तो सर मैंने आपने जितना भी मैराथन वीडियो डाला था सारा मैराथन वीडियो तो मैं देख कर गया था, और ज्यादा तो कुछ था नहीं, उतना समय भी नहीं था, तो मैं सारा मैराथन वीडियो देखता था और कॉपी में उसको लिखता भी था। तो लिख पहले तो एक बार सर पूरा देखा, फिर जब मैं दोबारा देखने की कोशिश किया मैराथन वीडियो तो उसको मैं नोट्स बना लेता था हर एक पॉइंट, उससे मेरे रिवीजन के स्किल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आजकल हर मैराथन में मान के चलिए 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लेता था, इस तरह लिख लिख कर, और अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और सबको मैं सलाह भी दूंगा कि मैराथन वीडियो जरूर देखें, वही की ऑफ सक्सेस है। तो एक्चुअली टेक्निकल सवाल अलग है और इंटरव्यू के सवाल थोड़ा अलग आते हैं, तो इंटरव्यू के सवाल के लिए मैराथन वीडियो वन ऑफ द बेस्ट है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है। आप मैं सबसे सलाह यही दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग उसको जरूर देखें, इससे आपका टेक्निकल एनहांसमेंट भी अच्छा आएगा। तो मैं लगभग सारा देख कर गया था, उसमें एक RAC का उस समय नहीं था सर आपका चैनल पर जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं पर्सनली कॉल भी किया था कि आप कम से कम RAC का वीडियो को अपलोड और कीजिए, उसी उसी के बाद और मैंने बनाया आपने किया भी भी। था। हाँ, हाँ मैंने हाँ हाँ उसके बाद बना इसके दिया बाद था। आप, हाँ आपने उसको फिर बना भी लिया सर, तो काफी अच्छा लगा। मेरा इंटरव्यू सब देख कर सर I think 7-8 आवर्स का रहता है सब, तो उसमें सारा लगभग शुरू से लेकर लास्ट तक सारा कुछ कवर हो रहता है, तो बेटर भी है, हर कुछ तरीका से था। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था, और आपको मैं मॉक इंटरव्यू भी बहुत सारा दिया तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। तो मुझे वो फेवरेट फील्ड पूछे तो मैंने वही जो मैराथन वीडियोस के कुछ थे, IC इंजन, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैंने ये सब बोला, फ्लूड मैकेनिक्स। तो एक मुझे IC इंजन के तरफ पहला क्वेश्चन आया कि टायर ब्लैक क्यों होता है, ऐसे ही पहला क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आज तक आपने पीला टायर क्यों नहीं देखा, हरा टायर क्यों नहीं देखा, ब्लैक टायर क्यों देखा। तो मैंने फिर बताया इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, कार्बन कंटेंट की वजह से टायर का कलर ब्लैक होता है। तो फिर उसने बोला तो वो तो रबर है, तो बोले कि हाँ तो उसका पॉलीमर बनाओ बोर्ड पर। तो मैंने पहले तो सॉरी सर बोला कि नहीं आ रहा था, तो यहाँ से शुरू हुआ। तो मिक्स फीलिंग था, एक तो एक पूछा तो मैं बताया, फिर जब पॉलीमर बताने बोला तो फिर मैंने नहीं बताया।
लेकिन इसके बाद फिर इंटरव्यू स्मूथ होता चला गया, जब मेरे अपने फील्ड की तरफ आ गया, थर्मोडायनामिक्स के फील्ड की तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स के फील्ड की तरफ आ गया, तो मैं लगभग सारे सवाल के जवाब दे दिए। उसने मुझे पंपिंग फोर्स के बारे में पूछा, डार्सी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पूछा, कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल के बारे में पूछा, पीपीएम 1 और 2 में क्या डिफरेंस है वो पूछा, उसके डीप लेवल तक पूछे, बहुत अच्छा खासा डीप लेवल तक पूछे PPM 1 और 2 के बारे में, दोनों का कॉलरेडी क्या है, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक अगर वैलिड होगा तो दूसरा क्यों नहीं वैलिड होगा, मैंने काफी डीप तक पूछे, काफी डीप तक पूछे, उतना तक मैं प्रिपरेशन भी नहीं किया था। तो लेकिन वो एक्चुअली क्या था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैं थोड़ा वहां कुछ सवाल के जवाब देते गया, तो इसे बढ़ता चला गया इंटरव्यू। फिर लास्ट में मुझे रेनॉल्ड ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पूछा गया, तो मैं उसको बोला नो सर, आई हैव नो आईडिया। तो फिर मुझे बोर्ड पर भेजा गया, बोर्ड पर मुझे कार्नोट थ्योरम, पहले तो कार्नोट साइकिल बनाने के लिए कहा गया, फिर वो बताया एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, आप उसको एक्सप्लेन करें अच्छे से। तो फिर मैंने बताया क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो फिर मुझे बताया कि रिवर्स कार्नोट थ्योरम तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोला। तो फिर वो बेल कॉनमैन साइकिल कैसे आया, फिर वो मुझे बताया कि रेफ्रिजरेशन में जो साइकिल होता है वो बनाओ, तो रिवर्स किया, तो बोला कि वो तो उस डोम के अंदर कार्नोट के जैसा रहता है, सेचुरेशन डोम के अंदर, तो यहाँ कैसे है। तो मैं बोला ये एग्जैक्टली है नहीं, हम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि जब कंप्रेशन करेंगे तो एग्जैक्टली आइडियल कंप्रेशन होगा नहीं, और थ्रोटलिंग एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस है नहीं, हम लोग मान लेते हैं ऐसा, ऐसे ऐसे करके मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे करके फिर फ्लो में आए, तो सही रहा इंटरव्यू मिला जुला कर, और 12 मार्क्स भी मिले, आउट ऑफ लाइक 100 में 80 मार्क्स मिले। गुड। तो हाँ अब उदय, दो तीन चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट की, जो आपने बताया पहले कि शुरू में आपको बाउंसर पड़ा, शुरू में मतलब जी आप बैट पकड़ के खड़े थे, और ब्लैक क्यों होता है हाँ आपका पैर, वो बाउंसर था जिसका आपको आइडिया नहीं आया। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन ना भी आए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, क्योंकि तो बाद में आपने उसको संभाल लिया, बाद में आपके टॉपिक्स आ गए और आपने आंसर भी कर दिया। और आपने जी ये भी बताया कि कई ऐसे क्वेश्चन थे टिल एंड तक, जैसे रेनॉल्ड थ्योरम उन्होंने पूछ लिया, तो जब आपको आंसर नहीं आ रहा था तो आप इनकार कर दे रहे थे कि साहब मेरे को नहीं आता। जी रिनॉल्ड तो ट्रांसपोर्ट थ्योरम काफी कंफ्यूजिंग था सर, हाँ जी, एक्चुअली बंसल में अलग लिखा हुआ है, हाँ, आई नो पीके दैट, नाग में अलग लिखा हुआ है, आई नो दैट। उसको और इंटरव्यू में उदय, कुछ बोलते तो आप हाँ, फंस सकते हो और समझो। उदय क्या होता है, उनको पता होता है इस चीज का कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अच्छा वो मुझे हाँ अप्रिशिएट भी किए, अच्छा जो चेयरमैन के बगल में बैठे थे सर, वो मुझे अप्रिशिएट किए, यस यस इट इज डिफरेंट, रिटन डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, वो ऐसे करके बताए, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था उस समय, जब मैंने उसको इनकार हाँ किया, सॉरी सर आई डोंट नो, तो उसने मुझे खुद अपने बताया कि हाँ ये अलग अलग काफी कंफ्यूजिंग है, तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला एट दैट टाइम। तो फिर हाँ मुझे थोड़ा, और इसके बाद भी और सवाल पूछे लगभग आईसी इंजन के रिलेटेड ही, कि कार्बोरेटर कब फेल हो जाता है, आज के समय में एफआई इंजन क्यों आ रहा है, कार्बोरेटर क्यों आज एब्सर्ड होता जा रहा है हर एक बाइक में, पहले बोला आजकल बाइक में सारे एफआई इंजन ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, चढ़ाई पे क्यों फेल हो जाता है, ये सवाल भी लास्ट में पूछा गया, तो अच्छा मैंने उसको उदय, खुद जवाब आपके दिया। पूरे इंटरव्यू में ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे जो आपने आंसर नहीं किया, उनको बोल दिया कि नहीं मैं, मेरे को नहीं आता? पहला वो रबर का पॉलीमर वाला, और दूसरा रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ये दोनों मैंने बोला कि डोंट नो, बाद बाकी लगभग मुझे टोटल मिलाकर 14-15 से, मोर देन 14-15 डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, तो उसमें 2 क्वेश्चन मेरे नहीं आते थे। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों को कि देखो, वो आपको हर तरह का क्वेश्चन पूछेगा, हाँ हर आपको तरह सिंपल भी के, पूछेगा कि साहब कार्नोट थ्योरम, कार्नोट का साइकिल ड्रॉ कर दो, वो सिंपल ये क्वेश्चन है, हाँ और ऐसा हाँ भी डिफिकल्ट भी पूछेगा जैसे आपसे पूछ लिया जिसका नहीं हाँ आइडिया। तो मेरे को ये लगता है उदय स्ट्रॉन्गली कि वो ये चेक करना चाहता है कि जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जो उसको नहीं आता, तो वो रिएक्ट कैसे करता है, जी और जब ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं उदय, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं उस टाइम पे, और वो अपना उनका पूरा इंटरव्यू गड़बड़ा जाता है इससे। तो ऐसे टाइम पे आप क्या एडवाइस करोगे कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका कोई आइडिया नहीं है, तो उसके बाद कैसे अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए? एक्चुअली सर वहाँ सब कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही खेल है, लगभग 15 मिनट्स के आसपास मिलते हैं आपको, हाँ जी, 15 से 20 मिनट के आसपास आपका इंटरव्यू होगा, हाँ जी, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको उनको जज करना है, तो हाँ जी, बेटर यही है कि जो आप हकीकत है वो बताएं, वो बताए। एग्जैक्टली जो आप हैं
आपसे जो जनरल सवाल पूछेंगे, जो जो टेक्निकल सवाल पूछेंगे, टेक्निकल तो जो आते हैं वही, जो न आया तो नहीं, जनरल सवाल जो पूछते हैं वो भी जो हकीकत है सब कुछ मेरे विचार से जो मैं समझ पाया उसको सही सही बता देना ही सही है। अब मुझे रेनॉल्ट ट्रांसपोर्ट थ्योरम के बारे में सही से आइडिया था नहीं, तो मैंने भूल भी दिया कि नो सर डोंट नो, तो उसने मुझे अप्रिसिएट भी किया कि यस इट इज रिटन डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, तो ऐसा भी होता है। और एक सर जब मैंने जा रहा था तो फिर एक डिजाइन के प्रोफेसर थे शायद, वो मुझे बोले वेट वेट, तो फिर मुझे गो टू द बोर्ड, मैं बोर्ड पर गया, फिर बोले कि आप जेसीबी के हुक देखे हो, मैंने बोला यस सर जेसीबी का, आप उसका एनालिसिस करो, डिजाइन एनालिसिस करो। तो मैंने हुक तो बनाया, हुक बनाने के बाद एक क्रॉस सेक्शन बनाया, तो मैं बोला कि सर मुझे तो इतना रिमाइंड नहीं हो रहा है, बट मैं इसका थर्मल एनालिसिस कर सकता हूँ। तो मैंने बस एच ए डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिखा, मुझे आइडिया कुछ था नहीं, तो ये मैंने बोला कि जितना हीट इधर से अगर कोई लोड को उठाया तो अगर इसमें हीट आया तो इतना हीट लूज करेगा, मैंने इतना बोला। तो वो मुझे बस आइडिया चेक करना चाह रहा था कि इसको आ रहा है या नहीं, बस बस ये मैंने देखा लास्ट में, फिर बोला ओके ओके, फिर मैं बाहर आ गया सर, इतना ही देर तक उधर मैं वो इंटरव्यू में था। बोर्ड पे जब आपको भेजते हैं, कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बोलता मेरे को 3 बार बोर्ड पे भेजा, तो हाँ मुझे दो आप बार भेजा, तो ये क्या मतलब बोर्ड पे क्या चेक करने की ट्राई कर रहे होते हैं लोग? मुझे लगता है कि बोर्ड पे भेजने के बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेसर में बोलने का स्पीकिंग है, चलने का स्पीकिंग है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाँ वो सारी चीज बता कैसे रहा चेक स्टूडेंट्स को, ये करते सर मुझे लगता है चेक करते हैं। टेक्निकल नॉलेज तो आपसे सवाल से कर लिए, कम से कम ये भी चेक करते हैं एक्चुअली बोल कैसे पा रहे कि चल हैं, हाँ बोल कैसे पा रहा है, आखिर स्टूडेंट के साथ क्या उसका कनेक्शन है, सही बात है। ये मुझे लगता है कि चेक करते हैं, और एक्चुअली लैंग्वेज कैसा है, वोकल कैसा है, अच्छा, ये जो भी शायद चेक चेयरमैन होते करते हैं हैं। उनका रुझान किस तरह होता है, मतलब चेयरमैन क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे? एक्चुअली चेयरमैन जो सर हैं वो नॉन टेक्निकल फील्ड से ही जनरली रहते हैं, मैंने जो देखा, क्योंकि मैंने पहले ही मैं सर्च करके गया था, तो बीपीएससी में 4 मेंबर हैं, तो चारों को मैंने प्रोफाइल चेक किया पहले, तो दो तो उसमें प्रोफेसर थे खुद के, एक पटना यूनिवर्सिटी के थे, तो हिंदी के ऊपर से हिंदी के प्रोफेसर थे, तो ये बात तो मैं मन में बैठा कर ही गया था कि चेयरमैन को उतना टेक्निकल नॉलेज तो जरूर नहीं ही रहा होगा, जो हिंदी में पीएचडी करके इतने ऊपर रैंक तक गए हैं उनको जनरली ये सब चीज का तो उतना आइडिया नहीं होगा, बस वही जज कर रहे थे कि आप पढ़ाते कैसे, मुझे जैसा लगा, तो मैंने उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया। जब मैं पढ़ा रहा था तो आई कॉन्टेक्ट चेयरमैन पे जरूर रख रहा था कि चेयरमैन मुझे कम से कम देख रहे हैं या नहीं, सही से मैं ये कुछ कुछ बात मार्किंग किया, कई स्टूडेंट्स और मैं से खुश भी हूँ कि मुझे इतना अच्छे मार्क भी दिए, तो चेयरमैन को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके बिना इतना सक्सेस पॉसिबल भी नहीं था। ये मैंने कई बार देखा उधर, वो जनरल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चों से, मतलब ऐसे जी सो तो कोई हाँ आपसे तो हाँ नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था? हाँ मुझे जनरल फिलोसफी का ये क्वेश्चन पूछा, अब बोला कि एक प्रोफेसर को दर्शन शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, मुझे ये बताया दर्शन शास्त्र का नॉलेज, तो मैंने ऐसा तो जनरली नहीं बोला, मैं बोला कि हाँ सर दर्शन शास्त्र में मेरी रुचि तो है। उसने फिर मुझे लगा कि किताब का नाम ना पूछ दे, फिर कुछ बात ना आगे बढ़ जाए, तो मैंने बोला कि सर मैंने एक खुद ही सोफी की संसार एक बुक पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे मुझे दर्शन शास्त्र में भी इंटरेस्ट हुआ, मैं बुक दर्शन शास्त्र की तरफ जाना चाहता हूँ, मेरे है भी मेरे पास एक बुक भी है, एक लाइक बुक भी है मेरे पास, तो मैं सही में इसको पढ़ा था, तो मैं इसी का इनाम ले लिया कि हो सकता है कुछ पूछ दे अंदर, क्योंकि वो खुद हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं तो पूछ अच्छा, भी सकते थे, वो अचानक बीच तो में हाँ वो बोलते हैं। जरूर वो इनका, हाँ उनका मोटिव ये रहता है कि ये कुछ प्रोफेसर को दर्शन शास्त्र की तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए, चेयरमैन का ऐसा हमको लगता है इंडिकेशन था ऐसा, ओके, ऑब्वियस है वो साहित्य के हैं भी लिटरेचर के हैं भी, दोनों को बात इंटरेस्ट तो करेंगे। रहेगा ही। अच्छा उदय, वो और तो नहीं कुछ बिहार वगैरह के बारे में नॉलेज वगैरह ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे उन्होंने आपसे? नहीं हमसे तो जनरली ऐसा नहीं पूछे, कुछ मैंने सुना कि और फ्रेंड से कुछ भी पूछ रहे थे बिहार के बारे में, कहाँ क्या है, बर्थ प्लेस का क्या कुछ है, तो हमसे तो जनरली ऐसा कुछ पूछे नहीं, मुझसे फिलोसफी के बारे में ही एक दो सवाल पूछे। अच्छा, ये जो उदय ड्रेसिंग सेंस वाला पार्ट है कि क्या ड्रेस डाल के जाना चाहिए, विंटर भी आ रहा है, उस टाइम पे विंटर नहीं था, तो अब जो बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनका ड्रेसिंग क्या होना चाहिए? सर जहां तक हम समझ पा रहे हैं ड्रेसिंग ऑब्वियस है, फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है भी नहीं, अच्छा से ड्रेसिंग प्रॉपर सेंस में तो होना ही चाहिए, बट ड्रेसिंग
सेंस इज द ओनली थिंग, मुझे ये भी नहीं लगता यस आप क्या बोलते हैं वो इफेक्ट करता मैटर है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि वहां 7-8 प्रोफेसर रहते हैं, थोड़ा माहौल भी उस तरह का रहता है, तो 7-8 प्रोफेसर है तो एक्चुअली बोलना क्या है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, एक टाई कम से कम सफिशियंटली रखना ही चाहिए मेरा जहां तक मानना है, और जा रहा है तो ब्लेजर भी पहन सकते हैं, मैं तो नहीं पहन के गया था, सिर्फ एक टाई पहन रहा था। उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ा गर्मी भी थी उस टाइम पे, हाँ तो मेरे समय में थोड़ा ठंड गर्मी थी तो ऐसा में ब्लेजर भी कुछ तो पहन डालना था। पड़ेगा, तो अगर कोट डाल लिया जाए तो दैट इज बेटर ऑप्शन। हाँ वो अच्छा ब्लेजर डालना अच्छा रहेगा। तो इस सब बच्चों का जो इंटरव्यू चलता है वो 15-20 मिनट ही चलता है कि कुछ का कम कुछ का ज्यादा भी होता हाँ किसी का कम, क्योंकि मेरे से जो पहले गए थे उनका बहुत कम चला था, है? ओके मान के चलिए वो गए और वापस लगभग 5-7 मिनट में आ गए, अच्छा अच्छा और हाँ मेरा लगभग 15 मिनट के आसपास चल रहा है इंटरव्यू। अच्छा जिन्होंने ना जैसे इंटरव्यू बहुत फेस नहीं किए होते उनको एक ऑरा से डर लगता है कि अंदर पता नहीं कैसे होगा, क्या चीज होगा। हाँ उनको तो ये चीज का डर होगा सर, ये बात हाँ तो श्योर है, क्योंकि 7 लोग इस तरह बैठे रहते हैं कि अचानक से जाना में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और और वो भी इमीडिएटली बहुत सब सीनियर आपकी लोग तरफ रहते देख रहे हैं, होते हैं, जब आप जाते हैं सब आपकी तरफ देख रहे और होते सब जब ऐसे पोजीशन पे रहते हैं, सब एजेड हैं रहते हैं, सब चश्मा लगाए हुए रहते हैं, सब टाई कोट में रहते हैं, थोड़ा जाते में डर तो लगता है, ये बात तो है, लेकिन ये अपने आप में फील करके जाना है, जो पूछेगा मुझे तो आता है, स्पेशली आपके मैराथन वीडियो अगर कोई देखेगा तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंशियल, मैं नई बात बोलना चाहता हूँ, वो है कि कॉन्फिडेंट होकर जाएगा। अच्छा उदय एक बात बताओ, जैसे अंदर गए तो आपने जो विश किया तो विश करने का तरीका क्या था आपका? मैं लगभग सबको प्रणाम किया और मैं खड़ा ही था, तो मुझे चेयरमैन सर ने बैठने बोला, तो मैंने बैठ गया, फिर मुझे वो अपने पूछे कि, और मुझे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कुछ नहीं पूछा, मुझे पूछा आप बीटेक कहाँ से किए हो, फिर पूछा कि एमटेक कहाँ से किए हो, फिर अभी क्या कर रहे हो, ऐसे करके सर उसने शुरू किया, ये मैंने कॉमन डायरेक्टली क्वेश्चन है। हाँ बस यहीं से शुरुआत ही की, मुझे अपना इंट्रोडक्शन, मैं एक इंट्रोडक्शन बनाकर ही गया था, मैं तो स्टूडेंट को बोलूंगा कि इंट्रोडक्शन रट ही ले, क्योंकि इतने फेयर इन्वायरमेंट में जनरली बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता, जो जो बात माइंड में रहते हैं ना वो रहता नहीं है, तो इंट्रोडक्शन को रट ही लिया जाए तो धीरे धीरे कम से कम वहाँ फ्लो में बात तो निकलेगी, क्योंकि सही बात है। हाँ इंट्रोडक्शन को मैं रट लिया था लेकिन उससे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं, मैं अच्छा से बनाया था इंट्रोडक्शन, बहुत प्रैक्टिस किया घर पे, बोर्ड पे भी प्रैक्टिस किया, तो लेकिन इंट्रोडक्शन मुझसे पूछा ही नहीं, डायरेक्टली शुरू किए कि कहाँ से बीटेक किया हो, कहाँ से एमटेक किया हो, अभी क्या कर रहे हो, ऐसे करके शुरू किया, चलो अब ये थोड़ा सा इंटरव्यू, वजनदार लैंग्वेज था उनका। हाँ तो ये इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश का तो कोई झगड़ा नहीं है, किसी में भी दो नहीं हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल वो सकते हैं, यदि नॉर्मली भी कौन सी किसी भी लैंग्वेज में बात प्रेस, कर रहे थे आपके साथ? अच्छा हम मुझसे सर दो प्रोफेसर इंग्लिश में बात किए तो मैंने आंसर भी इंग्लिश में दिया, और चेयरमैन एक्चुअली हिंदी से बात कर रहे थे तो मैं उन्हें हिंदी से बोला, और इस साइड में दो प्रोफेसर वो भी हिंदी में ही पूछे तो मैंने हिंदी में ही जवाब दिया, बट अच्छा जवाब देते समय तो इंग्लिश वर्ड तो आता ही है टेक्निकल में, हिंदी तो रहता नहीं है, अब आईसी इंजन में हिंदी क्या वर्ड रहेगा सर, जो बोलना हुआ वही वह हिंदी है, सारे टर्म तो इंग्लिश के ही है। अच्छा जब आप इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि ठीक है अब आप जाइए, तो उस टाइम पे उनको थैंक्स करके आना होता है, तो वो उसका क्या तरीका होना चाहिए उदय? मैंने तो मुझे वो खुद ही बोले कि जैसे कि हुक था जीप क्रेन था, क्रेन का जो हुक था उसका मैंने डिजाइन जब मैंने किया तो मैं खड़ा ही था उस समय, तो बोला कि हाँ हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं, तो मैंने सबको फिर थैंक यू किया, प्रणाम किया, एक्चुअली बीच में चेयरमैन की तरफ किया बाद बाकी दोनों तरफ किया, फिर मैंने बोला सर बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर मैं बोर्ड साफ करके वापस बहुत मतलब जेंटिल बोर्ड साफ तरीका से करना, बाहर हो चेयर को गया। वहीं पे रखना ये जरूरी है। हाँ चेयर को वहां, वहां चेयर बहुत कम स्पेस रहता है उसी में बहुत लोग रहते हैं, तो चेयर को ऊपर से भी कोविड का समय था ना, तो एक शीशा लगा हुआ था आगे में, अच्छा बीच में एक होल था, अच्छा बीच में एक होल था और शीशा लगा हुआ था, तो हाँ जैसे कि हमारी, हम जो बोल रहे हैं हमारी आवाज तक चली जाए, लेकिन कोविड की वजह से एक शीशा लगा के रखे और कम स्पेस था बहुत। अच्छा उदय अब ये इंटरव्यू के बाद फिर मैं आता हूँ कि आपका जो टीचिंग एज अ प्रोफेशनल भी आप सिलेक्ट हो चुके हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो किस तरह के टीचर बनना चाहेंगे आप? क्या विजन है आपका अपने आप को लेके कि सब ऐसा टीचर बनूंगा? सर अभी तो मैं जनरल सेंस में ये बोलूंगा कि टीचर जो है सर है एक बेस है किसी भी, लाइक कॉलेज है तो कॉलेज का व्यक्तित्व टीचर का ही व्यक्तित्व से निखरता है, अगर सही है। आप
कॉलेज के पर्सनालिटी के बारे में बोले तो टीचर का पर्सनालिटी है, कॉलेज का पर्सनालिटी है। मीन्स स्टूडेंट आए 4 साल के बाद वो जा रहे हैं, उसमें हम कितना इनपुट दे पाए, यही मेरा एक गोल रहना चाहिए। मतलब कि एक स्टूडेंट आया आज खाली डिब्बा की तरह है, वो जैसे ही बाहर हुआ 4 साल के बाद, हम उसमें क्या इनपुट कर पाए। बस ये तो एक तरह का सर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। हर एक स्टूडेंट को अगर समाज में जाना है तो एक अच्छा विजन लेकर जाए, अच्छा संस्कार लेकर जाए, अच्छा एजुकेशन लेकर जाए। तो इसी को लेकर हमारा सोच है कि वो स्टूडेंट अच्छा जाए, ये अच्छा, बहुत बड़ा आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी से आपका ग्रेजुएशन हुआ उससे लेके अभी तक है। जी सर। आपने हायर एजुकेशन भी किया, कुछ टाइम जॉब्स भी किया आपने, तो इसमें ऐसे फेजेस आए होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि यार मतलब वर्स्ट फेज चल रहा है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ऐसे फेजेस आए होंगे, उस टाइम पे कैसे ओवरकम किया चीज को? मैंने एमटेक के बाद सोच रहा था मैं क्या करूं। एक्चुअली मुझे न्यूजीलैंड से एक ऑफर आया था पीएचडी करने का, मेरे गाइड ही सब कर दिए थे। तो हम थोड़ा बहुत पिछड़ा बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा घर किशनगंज जो एरिया है, अगर वहां मैं पीएचडी बैकग्राउंड अगर ले लेता तो बहुत ही एक तरह का फैमिली में भी सपोर्ट नहीं था कि पीएचडी करो। मेरा उसमें रुझान पीएचडी करने की तरफ था, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अभी शायद मैं बच्चा ही हूँ, लोग बोल रहे, सब कोई बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने इस आइडिया को ड्रॉप किया और एक जॉब की तरफ चला गया। उस समय मुझे बहुत एक्चुअली मैंने अलग ही फेस था वो, मैं समझ ही नहीं पा रहा था करना क्या है। मुझे उसमें अगर पीएचडी ज्वाइन कर लेता तो हो सकता सही रहता, ना किया तो भी सही रहता। तो बेटर हुआ कि जो हो गया वो मेरा एक लाइफ का वर्स्ट पार्ट था उसमें से। मतलब ऐसे स्टेजेस, इनको ना डिजोनेंस बोलते हैं कि जिसमें दो रास्ते दिखते हैं और शायद दोनों ही रास्ते सही भी होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो लेते तब नुकसान होता है या फायदा होता, तो वो डिजोनेंस वाली स्टेज हर स्टूडेंट की लाइफ में आती है। जब आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं, तो एक कंफ्यूजन और एक डिजोनेंस वाला स्टेट रहता है, और वो स्टेज से निकलने का तरीका यही होता है, एक ऑप्शन किया पकड़ा और उसमें अपना 100% देते रहे और दूसरी ऑप्शन को देखना फिर बंद कर दो और उसमें देख के चलते रहो, तो कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन चलते रहना बहुत जरूरी है। डिसोनेंस वाली स्टेज में एक ही जगह खड़े हो जाना और कुछ ना करना वो गलत है, स्टेज को पकड़ना फिर मूव कर इसके जाना। बाद सर दूसरी स्टेज, जब मैंने मेडीजी में वर्क किया तो मैं जब देखा मेडीजी में जो वर्क कर रहे हैं सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग आ रहे हैं, आईएएस के लोग आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे आईएएस को देखा, सब मेडीजी आ रहे हैं, आईपीएस इवन आ रहे थे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के तो लगभग आप तो जानते ही हैं, तो हर बहुत लोग वहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज से हैं, आईएएस क्वालिफाई करके सब वहाँ हैं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा स्टेज है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो एक वो भी फेस था कि मुझे लगा कि थोड़ा सा डायलिमा था कि करना क्या है, ये प्लेटफॉर्म भी इस तरह का है, एक चकाचौंध वाली दुनिया है। हम उस समय तो बहुत कम उम्र रहा होगा हमारा, लगभग 22-23 साल के थे, तो उसमें उतना नॉलेज नहीं था आखिर है क्या, इधर आगे बढ़ना है किधर पीछे करना है, वो भी एक स्टेज था। धीरे धीरे सब ओवरकम होता गया, अब फाइनली तो अभी तो सही है, जिस जॉब में रहना था वो सही मिल गया। मुझे पसंद है टीचिंग जॉब बहुत ज्यादा। चलिए उदय, बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको लाइफ में ना कुछ चीजें सही टाइम पे मिल जाएं उनका अलग इम्पैक्ट होता है, यस तो सर। मैं ये मानता हूँ स्ट्रांगली कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है सही टाइम पे मिली है और इसका बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट दिखेगा अगर आप मेहनत करते रहे और बच्चों के भविष्य में इंटरेस्ट लेते रहे। देखो जॉब्स तो बहुत होती हैं, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस में जाते, असिस्टेंट इंजीनियर बनते, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते, तब भी जॉब ही करते, अर्न करते, लेकिन ये जो टीचिंग है ना ये जॉब नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये जॉब नहीं है, यस सर। ये एक्चुअली आप अर्न तो कर रहे हैं, फैमिली भी चला रहे हैं, वो सब है, लेकिन इसमें आपको वो अपॉर्चुनिटी है जो कंट्री के फेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें आप उस चीज से डील कर रहे हैं जो कंट्री का फ्यूचर है, वो है ह्यूमन बीइंग, वो है चिल्ड्रन, वो है बच्चे। एक बच्चे के लाइफ में अगर आप इम्पैक्ट डालोगे ना, आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि साहब आपके प्रोफेसर आपको हेल्प कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, तो वो वाली जो चीज है ना कि जैसे आप आगे अपने बच्चों के फ्यूचर में इंटरेस्ट लोगे और उनका फ्यूचर बनेगा, आगे वो कंट्री का फ्यूचर बनेगा। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर शायद कंपनी लगा के मेक इन इंडिया करे, तो आप सोचो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आप अपनी टीचिंग के थ्रू, और ये दैट इज अ रीजन, ये बहुत बड़ी सही बात। अपॉर्चुनिटी है उदय। यस सर। ठीक चलो दैट इज है। वंडरफुल उदय, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं थैंक्स करूंगा आपको कि आपने टाइम दिया मेरे को अपना इंटरेक्शन का, एंड आपको ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रॉम आवर साइड कि आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू यू एंड योर पीडिया ऑल्सो सर। Thank you for the mock interview itself. Yes, thank you. Thank you, sir. Okay. Even your PDA का सर मेरे लाइफ में हमेशा एक पार्ट बना रहेगा।